गाइस तो आज हम लोग आ चुके हैं पेशेंट के मैदान पे। आज हमारा मैच होने जा रहा है किसके साथ जानते हैं? ब्राजील और फ्रांस के साथ। ये रहा फ्रांस का पूरा लाइनअप। हम लोग यहाँ पर बापे को ले रहे हैं, क्रिलियन एम्बापे को सेकंड स्ट्राइकर पे। और ये रहा पूरा लाइनअप, देख लीजिए फ्रांस का। आपको कतई बहुत मज़ा आएगा आज का मैच देख कर। इतना मज़ा आएगा कि आप पूरी ज़िंदगी रोते हुए, बिना रोते हुए, हंसते हुए, बिना हंसते हुए भूल नहीं पाएंगे। तो मैच स्टार्ट हो चुका है फ्रांस और ब्राजील का। यहाँ पर नेट बाबा रे, नेट बाबा थोड़ी सी कृपा कर दो, अपनी दया दृष्टि दे दो। ये क्या कर रहे हो, चक्र घुमा के जा रहे हो? और तो आ गया है हम लोग मैच के मैदान पे। यहाँ पर बापे का पास, पेंजिंग का पास, बॉल। ओ पेंजिंग मारते हुए जोर से। अरे भाई पेंजिंग थोड़ा तो शर्म कर ले, इतनी जोर से बॉल को मत मार। अगर तेरी बॉल को ऐसे कोई मलात मारेगा तो तेरे को कैसे लगेगा मेरी बात? हगो लॉरिस के पास बॉल चला गया। और हगो लॉरिस यहाँ पर डी एम्बले डिम्बले को बॉल देते हुए, यहाँ पर बरेरा का पास बॉल है और यहाँ पर मेसी ने बॉल को छीन लिया। अरे मेसी तो देवता है, वो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं करते, लेकिन वो इतने बड़े देवता है, बॉल को अपनी उंगली पर नचाते ही। तो यहाँ पर जाते हुए बॉल डिम्बले के पास, डिम्बले को मारते हुए। अरे भाई छोड़ दे, डिम्बले बोल रहा कि भाई मेरे को बॉल लेने जाने थे, मेरे को बॉल लेके जाने थे। तू तो सुन ले रहा है यहाँ पर पीके, तू पीके सिनेमा देख साले। अब आगे हमारे जय अल्बा, वहाँ पर ग्रिजमैन आते हुए, ग्रिजमैन बॉल लेते हुए। और क्या होगा? अरे भाई इतना क्यों मार रहे हो, मुझे शांति से खेलने दो वहाँ पर। अरे भाई तो सुन क्यों नहीं रहा मेरी बात को? अरे देख बेंजामिन पावर तो निकल गया। बेंजामिन पावर को लग रहा है कि यहाँ पर मैच पे बनने वो, यहाँ पर उसन बोल्ट बनने की कोशिश कर रहा। हुगो का बहुत अच्छा बढ़िया सेव, बहुत बढ़िया। वो समझ रहा है देख तेरा गोल को रोक लिया मेरे, तू क्या कर लिया भाई, तेरा भाई तेरे साथ। तो भाई लोग उनकी बहन लोग देखो वरीरा कैसे खेल रहा है। यहाँ पर हल्के पास बॉल, वो कुछ नहीं कर पा रहा है हुगो लॉरिस के साथ। और हुगो लॉरिस यहाँ पर बॉल पास करते हुए वहाँ पर साइड पे 90 देखिए कैसे जा रहे हैं बॉल। और जो बॉल को ऐसे मार रहे हैं कि जैसे बॉल के ऊपर मुंह पे लात मार रहा है, ऐसे बॉल को मारते हुए। वहाँ वरेरा के पास बॉल जाता हुआ, वहाँ से पोगबा के पास बॉल जाता हुआ, ग्रिज़मैन के पास बॉल जाता हुआ, जाता हुआ जाता हुआ जाता हुआ, सभी जा ही रहा है, आ नहीं रहा है। यहाँ पर ब्राज़ील के पास बड़ा बहुत ही ख़राब समय चल रहा है। माफ़ कर देना ब्राज़ील भाई को और उनके बहन लोग को। तो वहाँ पर टेंगलेट के पास बॉल, वहाँ पर ओ भाई ऑफ साइड। अभी सोच रहा है सर कि यार क्यों ऑफ साइड होता है हम लोगों के साथ, हमारे ऊपर भी थोड़ी सी रहम कर दो। अभी का समाचार यहाँ पर खत्म करते हैं, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ। गए हैं हम लोग यहाँ पर एक और ब्रेक के बाद। और यहाँ पर देखा जा रहा है कैसे बॉल को निचोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। अरे बॉल तो सोच रहा है अरे भाई तेरे पैर मेरे ऊपर लात मार मत, मुझे शांति से रहने दे, आराम से खेल। यहाँ पर वरेरा के पास बॉल और ग्रिज़मैन, बहुत अच्छा गोल भाई। भाई लोग उनकी बहन लोग एक बार ग्रिज़मैन के लिए बहुत सा तालियां। अब तो वो अपना भाई लोग देख तेरे ऐसा कोई कूल नहीं है। ग्रिज़मैन तब सोच रहा कि भाई मेरे जैसा कोई कूल भी नहीं है, मैं भी गोल कर रहा हूँ, तू लोग क्या कर रहे हो, उखाड़ ले अपने कबाल। सॉरी गाली देने के लिए भाई लोग उनके बहन लोग, लेकिन चलता है। अब भाई नेट बाबा हाफ टाइम हो चुका है, तो नेट बाबा थोड़ा सा नाराज़ हो चुके हैं। हाफ टाइम के बाद आ चुके हैं हम लोग। तो उसके बाद देखा जाता है कैसे बोलता है, वरेरा के पास बॉल, ग्रिज़मैन बॉल लेते हैं, पोगबा के पास बॉल, उसके बाद डिम्बले। और डिम्बले ऐसे मारा कि भाई मैं तो मक्खन की तरह ले जाऊँगा। अरे भाई वरेरा ब्रायन को बॉल दे दिया है, उसके बाद वरेरा के पास बॉल, पोगबा, पोगबा से ग्रिज़मैन। अरे भाई तुम लोग वहाँ पर भेड़ बकरिया की तरह झुंड में मत शिकार करो, अकेले जाओ। अभी तो सब सोच रहे कि लोग मैं, अरे मुन्ना सुअर झुंड में तो सुअर आता है, मैं तो शेर हूँ, मैं अकेले जाऊँगा। ग्रिज़मैन के पास बॉल, ग्रिज़मैन फिर से और बहुत भैया गजब उम्दा सेव किया है। चलिए देखते हैं अब कैसे मारते हैं ग्रिज़मैन क्रॉस को, बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में क्रॉस दिया है। वहाँ पर से ओ शिट क्या कर दिया यार। अरे भाई क्या कर रहा है तू, मार दे भाई। एलिसन के पास बॉल, सोच रहा है कि एलिसन की कहाँ पर मारू कहाँ पर मारू। यहाँ पर देख रहा है, अरे भाई तू मार तो नहीं, मेरे को क्यों सोच रहा है यहाँ पर।
केविन डी ब्रुइने के पास बॉल जाता हुआ है, यहाँ पर एम्बापे, एम्बापे का गोल बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से हुगो लॉरिस का। यहाँ पर हल्क तो पास बॉल उठा नहीं पाया, हल्क सभी सोच रहा कि यार मेरे पास इतना बॉडी है मैं क्या कर लिया। अयो उसके बाद बहन लोग तो आज हम फिर से आ चुके पेस के एक और बार मैदान पे, मैदान पे आ तो नहीं चाहते थे लेकिन आना पड़ा। तो चलिए देखते हैं इस हाथ में, ओ भाई ग्रिज़मैन बॉल लेके दौड़ता हुआ और गोल भाई लोगों उनके बहन लोग ग्रिज़मैन ने एक और बार गोल कर दिया है। तो एक शॉट आउट बनता है ग्रिज़मैन के लिए क्योंकि ग्रिज़मैन सोच रहा है मैं तो भाई कूल बंदा हूँ, मैं तो उखाड़ के फेंक दूंगा। यहाँ पर आज ग्रिज़मैन की मम्मी को बहुत उसके ऊपर नाज हो रहा होगा कि मेरा बेटा तो बहुत कुछ करके आ गया। ग्रिज़मैन सोच रहा कि भाई देखो तेरे जैसे भाई कोई हारिश नहीं है। ओ ये तो यहाँ पर ए मार्शल को लेते हुए हमारे फ्रांस की लाइन आते थोड़ा बहुत चेंज करते हुए देखा जाए क्या हो सकता है। एक हुंदर चल रही है फ्रांस और ब्राज़ील के मैच में, ब्राज़ील तो बोल रहा कि भाई मैं भी इस बार कप लेकर जाऊंगा। फ्रांस बोल रहा कि तू एक बार सोच ले, तेरा बड़ा भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, तू उखाड़ क्या क्या कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। 90 मिनट्स का गेम प्ले हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा सा अनबन मैच के दौरान थोड़ा सा मारा पीटी होते हुए और तो यहाँ पर एक फ्री किक मिल चुकी है, बहुत ही बढ़िया। कोटिन्हो की किस्मत देखते हैं आज चमकेगी या बिना चमकेगी। कच्चा बढ़िया उतार लिया कोटिन्हो ने, मार लिया और भाई कैसे गोल बोला कि भाई मेरे को मारो मारो। अरे भाई तू बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, तू ऐसा क्या कर लिया, टेंशन में सबके पैंट गीले हो जाते हैं। तो कोटिन्हो तो कुछ भी नहीं है, मेसी की भी हो सकती है लेकिन देखता है वो, देखता कि पैंट गीले नहीं होती। इसके साथ ही आकर मैच अभी ख़त्म होता है और फ्रांस ने बहुत अच्छे तरीके से ब्राज़ील से जीत हासिल कर लिया है। और देखते हैं इसके बाद क्या होता है, स्टैट्स क्या बताते हैं देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही उमदा, बहुत ही गजब फ्रांस वालों, अलविदा अब के लिए। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा और गेम प्ले का कैसा आनंद उठाया ओके आप जरा बताइए। और आपको ठड़की राम कैरेक्टर कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए।